आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट कंपनी के बारे में, जिसको कि हमने बहुत ही स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखा था और 14 के प्राइस के आसपास हमने कहा था कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि 40% से ऊपर की उछाल इस स्टॉक में पिछले एक महीने के अंदर देखने को मिला है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल का, हमारे वीडियोज को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करा था और हमने कहा था कि डोंट सेल, मतलब कि अभी इसको मत बेचो। तो आखिर ये स्टॉक क्यों कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है और आखिर कब तक अप ट्रेंड में रहेगी? अगर आपने पहले से ले रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपने नहीं ले रखा है तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सभी बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। Hi, this side Priyaranjan and you are watching Traders Dream. I hope everything is going good. हमारा मिशन है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्राइडेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि लगभग 3-4 रुपए के आसपास का लो बनाया था और अभी 52 वीक हाई लगभग 18-19 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि आखिर क्यों ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस का ऊपर और नीचे जाना कंपनी के फंडामेंटल से बिलोंग नहीं करती है। शॉर्ट टर्म में डिमांड और सप्लाई ही सबसे मुख्य चीजें होती हैं, लेकिन अगर वही बात करें लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटल कंपनी का ही मेन पॉइंट होता है, मेन कंसर्न होता है। अगर फंडामेंटल अच्छा नहीं है और कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, फिर भी कुछ दिनों के बाद कंपनी एक्चुअल वैल्यूएशन पे आ ही जाती है। इसी प्रकार ट्राइडेंट अभी भी मल्टीबैगर है और दमखम रखता है आने वाले समय में 120 से 25 के टारगेट को अचीव करने में। अभी ये तो जस्ट ट्रेलर है, जिस प्रकार से कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है, अपने आप को इमर्जिंग बना रही है और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि कंपनी के रिटेल शोरूम की बात करें तो उसमें कंटिन्यूअसली इजाफा होते हुए दिख रहा है। वहीं यूरोपीय कंट्री से कंपनी को फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट मिल गया है। बात करें अगर ट्राइडेंट कंपनी का, इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट टॉवेल है, जिस टॉवेल के प्रोडक्शन के लिए यूरोपीय कंट्री से कंपनी को पेटेंट दे दिया गया है, जिसमें कि बिना केमिकल यूज करे कंपनी सॉफ्ट टॉवेल बनाएगी। और ये टॉवेल फ्लैगशिप प्रोडक्ट है पूरे विश्व में इंटरनेशनली ट्राइडेंट कंपनी का। साथ ही इस कंपनी में प्रमोटर का कंटिन्यूअसली स्टेक इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है। साथ ही बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहा है। तो और इस कंपनी का रिजल्ट 15 के आसपास आने वाला है और एनालिस्टों के द्वारा कंटिन्यूअसली लॉन्ग टारगेट दिया जा रहा है, जिसके कारण ये कंपनी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर FDI 100% लागू किया गया है और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो 3% के आसपास था उसको 10% तक करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण जो मेन बेनिफिशियरी होगा, जो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने से, वो ट्राइडेंट होगी। और ये तो जस्ट ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। वही अगर बात करें कि आपने अगर 14 के आसपास के प्राइस पे लिया है तो 30-35% के आसपास की प्रॉफिट को पार्शियली आप बुक कर सकते हैं, और अगर डीप मिले तो डीप में आप उस बुक किए गए प्रॉफिट को फिर से बाय कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी बाय नहीं करा है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं आने वाले अगले 3-4 साल के लिए, तो आप पार्शियली 40% के आसपास के शेयर को बाय कर सकते हैं। वहीं अगर डीप मिले तो उसको धीरे धीरे 10-20% कर करके आप 100% तक, जो भी आपके होल्डिंग का लगभग 2.5% के आसपास आप बाय कर सकते हैं। ये एक ट्रेलर है, आने वाले समय में बहुत ही जल्द और बहुत ही तेजी से ये कंपनी एक्सपेंड होते हुए दिखेगा। इस कंपनी की प्राइस, जिस प्रकार कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है उसी प्रकार प्राइस भी एक्सपेंड होते हुए दिखेगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि किन स्टॉक में मैं स्ट्रांग ओपिनियन रखता हूं कि इसको होल्ड करो, या किस स्टॉक में मैं बोलता हूं कि इस स्टॉक को आप एग्जिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो किसी भी स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने में। बाकी किसी भी स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सुनिश्चित कर लें। थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में।